नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो कि FMCG का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है और यहां पर शेयर में गिरावट जारी रहती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, बाय करें या फिर एग्जिट करें, शेयर में से लॉस बुक कर लेना चाहिए, और सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं HUL का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2171, जो कि 0.53% हमें नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप दिग्गज है, 5,10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी वैल्यूएशन की बात करें तो 74.33 के आसपास है। इंडस्ट्री का पी है 68.99, प्राइस टू बुक रेशियो है 63.44, डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.59% की डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रही है और डिलीवरेबल्स भी 62% के आसपास दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब 1750 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। उसके बाद हमें रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी थी, ऑल टाइम हाई बनते हुए नजर आया था 2600 के आसपास के लेवल पर। लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर से यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही थी, 2300 का लेवल अचीव होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वापस हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ये फिलहाल खड़ा रहता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 100 डेज का ईएमए और 200 डेज का ईएमए फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2109 का लेवल। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.57। अब देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें ओवर द टाइम यहाँ पर देखने को मिली है। अगर बात करें RSI के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 44.23, यहाँ पर भी वीकनेस हमें साफ साफ नज़र आ रही है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो फिलहाल सिग्नल्स हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी दिनों पहले ही बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें शेयर में देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज होता हुआ नजर आता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 2171 के आसपास का लेवल, मीडियन है 2197 का लेवल, अपर बैंड है 2222 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2228 के आसपास का लेवल, जो कि फिलहाल काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ है। अगर ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2331 का लेवल भी दिखाई देता है, जो कि यही इसी लेवल के आसपास पहले भी एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2100 का लेवल दिखाई देता है, जो कि एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है अगर इसमें गिरावट आती है। और भी नीचे जाए तो यहाँ पर 2000 का लेवल भी एज ए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट हमें बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे भाई साहब धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब मार्केट में भयंकर गिरावट हुई थी तब भी 20 मंथ्स का ईएमए ऐसा सपोर्ट दिखाई दिया था, और उसके बाद भी जब हमें वापस गिरावट देखने को मिली थी तभी भी हमें 20 मंथ्स का ईएमए ऐसा सपोर्ट दिखाई दिया था, और फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 1987 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, यहाँ पर लॉस बुक करने का कोई भी रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि अगर टूट जाता है तो और भी गिरावट आ सकती है, जो कि है ये 100 डेज का ईएमए, जिसके आसपास ही फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आ रहा है। तकरीबन 20 से 25 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं और इसी लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि 2100 के आसपास का लेवल, तो इसी के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 100 डेज का ईएमए टूटता है तो हमें 200 डेज के ईएमए, जो कि 2100 का लेवल, वहां पर भी स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर ले यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, करंट मार्केट प्राइस पर यहां पर बाइंग शुरू कर सकते हैं, काफी अच्छा लेवल है। 100 डेज का ईएमए काफी ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट फिलहाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2167 के आसपास। तो यहां पर स्टॉक अगर आपको 2150 से
00 के आसपास दिखाई देता है, तो वहां पर एक्टिव इन्वेस्टर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा लेवल है, यहां पर बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और फिलहाल स्टॉक इसी रेंज में दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने कहा करंट मार्केट प्राइस में भी बाइंग की जा सकती है। अगर बात करें यहाँ पर पेशेंस रखने वाले लोगों की, जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, वेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी लेवल ज़रूर बताऊंगा, जो कि है 200 डेज का ईएमए, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2109। हमने देखा कि पहले भी 200 डेज का ईएमए ऐसे सपोर्ट दिखाई दिया और उसके बाद हमें वापस तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर स्टॉक अगर आपको 2100 से करके 2200 के आसपास दिखाई देता है, तो वहाँ पर पेशेंस करने वाले लोग भी यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ज़्यादा इसमें गिरावट आएगी, तो ऐसा कम ही होता है। कोई प्रॉब्लम्स अगर प्रोडक्ट्स में आ गई, इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो ही ज्यादा गिरावट आएगी, या फिर क्रैश होता है तो ही गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि क्रैश में भी ये ज्यादा यहां पर गिरता हुआ नजर नहीं आया था, हमने देखा मार्केट खुद 40-45% क्रैश हो चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना ज्यादा हमें गिरता हुआ नजर नहीं आया था, तुरंत इसने सपोर्ट ले लिया, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस कंपैरेटिवली काफी सेफ माना जाता है। रिटेल इन्वेस्टर को काफी ज्यादा मैं यहाँ पर राय देता हूँ कि एफएमसीजी स्टॉक्स को ही यहाँ पर लिया करें, छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है, तो अभी अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आप बाय एंड डिप्स करते जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कभी भी ज़्यादा गिरावट इसमें, कभी भी ज़्यादा करेक्शन स्टॉक्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, 1500 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, 1000 रुपये के लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसा फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं देता है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मेरा मानना है ये अच्छा लेवल से यहाँ पर आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस पर चल रहा है, और डिस्काउंट कितना है, कितने दिनों तक रहने वाला है, अगर उसकी जानकारी चाहिए तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।